कैसे हो, मैं हूँ सौरभ और लेके आया हूँ एक फिर से नया वीडियो। दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ भेजे। तो दोस्तों परसों ही मैंने नया व्लॉग डाला था 2020 का। जैसा कि अगर आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मेरा वो प्रीवियस व्लॉग देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ ताजुद्दीन बाबा के दरगाह में। छोटा ताजबाग भी जाएंगे और बड़ा ताजबाग मतलब ताजाबाद शरीफ भी जाएंगे। और दोस्तों छोटा ताजबाग मतलब जहाँ पे रघुजी राजे भोसले रहते थे वहाँ पे छोटा ताजबाग कहते हैं उसे, तो वहाँ पे भी जाएंगे। अभी यहाँ से निकलता हूँ ताजबाग के लिए, क्योंकि दोस्तों आज है ताजुद्दीन बाबा, हज़रत ताजुद्दीन बाबा अवलिया का जन्मदिन। तो उनके जन्मदिन पे पूरे नागपुर में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाते हैं लोग, काफ़ी धूमधाम से लंगर बांटते हैं, खाना बांटते हैं गरीबों को, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग सेवा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये दिन है आज का 27 जनवरी। कल था 26 जनवरी रिपब्लिक डे। तो दोस्तों कल का मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, तो दोस्तों आज जा रहा हूँ बाहर और ब्लॉग बनाया था। नागपुर में दो दो ताजबाग इसीलिए दोस्तों क्योंकि एक है छोटा ताजबाग मतलब जहाँ पे रघुजी राजे भोसले रहते थे, राजा थे वो, उनके घर पे ताजुद्दीन बाबा ने काफी ज्यादा दिन स्टे किया मतलब वहाँ पे रहे थे वो। ताजुद्दीन बाबा का जन्म हुआ था कामठी में जो नागपुर के पास ही है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और उनके बाद काफी कम उम्र में जब वो छोटे थे अपने बचपन में ही उन्होंने अपने माँ बाप को भी खो दिया था। उनके मोजज़ात काफ़ी ज़्यादा है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिरेकल्स किए हैं। जहाँ पे ताजुद्दीन बाबा का एक वाकिके में भी दरगाह है सावनेर हाईवे पे, उसके बाद एक छोटा ताजबाग है और एक अपना बड़ा ताजबाग शरीफ जहाँ पे ताजुद्दीन बाबा की समाधि मतलब शिरीन है, वहाँ पे भी हम अभी जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा सभी। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ अभी, यहाँ पे मैं छोटा ताजबाग पहुँच गया हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है और अभी यहाँ से संदल निकल रहे हैं। और ये है अपनी अलवैली 300 इधर बाइक, और यहाँ पे रुका हुआ हूँ मैं गाइस। और यहाँ से अभी अंदर जाएंगे दरबार के, दरबार शरीफ के अंदर जाएंगे और वीडियो बनाएंगे। और आज काफ़ी ज़्यादा रश है, सब तरफ से संदल वगैरह निकल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बाइक पार्क करता हूँ अपनी, और यहाँ से बाइक पार्क करके यहाँ से अंदर जाते हैं। मैं आपको एंट्रेंस के गेट के सामने ही खड़ा हुआ है, सभी आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से सिनेमैटिक। तो अभी आया हूँ मैं छोटा ताजबाग दरबार में और आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, अभी लाइन लगी हुई है। तो इस लाइन में भी लगता हूँ अभी एक दो घंटा लगेगा मुझे शायद लाइन में, और एक दो घंटे के बाद अभी दर्शन होगा, जियारत होंगी। यहाँ पे छोटे ताजबाग के अंदर मेरा दर्शन हो गया है, जियारत हो गई है। अभी यहाँ से निकलते हैं बड़े ताजबाग के लिए और यहाँ पे आगे मेरे लंगर चल रहा है। आप मेरे पीछे ये जो देख रहे हैं ये है बड़ा ताजबाग, ताजाबाद शरीफ मतलब बड़ा ताजबाग भी कहते हैं इसे। तो यहाँ पे आया हूँ अभी, यहाँ पे जियारत करते हैं, अंदर दर्शन करते हैं और मैं आपको सभी दिखाता हूँ बराबर। और धूप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई इसलिए इस साइड से ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, देखो अभी पसीना भी आ रहा है मुझे। अभी अंदर जाते हैं, तो ये दरबार की शाही मस्जिद है जहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। उसके सामने बराबर बाबा का दरगाह है, बाबा की मज़ार है, शिरीन है बाबा का यहाँ पे।
मैं अभी वहाँ से आ गया हूँ घर पे और अभी टाइम हो रहा है 4:03 दोपहर में। काफी जबरदस्त मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश की है, कैसा लगा आपको ब्लॉग? तो दोस्तों ये था दोनों भी दरबार का ब्लॉग, एक छोटे ताजबाग का जहाँ पे रघुराज भोसले का वाड़ा था वहाँ का एक ब्लॉग था ये छोटे ताजबाग का, और उसके बाद मैं गया था बड़ा ताजबाग जहाँ पे ताजाबाद शरीफ ताजुद्दीन औलिया की शिरीन है, वो वाला ब्लॉग भी मैंने आपको दिखाया। जितना मैं आपको बता सकता था दोस्तों उतना मैंने अपने तरफ से कोशिश की है बताने की, ब्लॉग अच्छा बनाने की। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को लाइक करना। अगर आपको और जानकारी चाहिए ताजुद्दीन औलिया के बारे में तो आप विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और कुछ, और आप यूट्यूब पे वीडियोस भी सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों ये व्लॉग मैंने उन लोगों के लिए बनाया था जो यहाँ पे अभी नागपुर में तो आ नहीं सकते, काफी काम से बिजी रहते हैं, बट उनको अगर व्लॉग में ताजुद्दीन बाबा के बर्थडे की जो जियारत है, जो दर्शन है, काफी अच्छी तरीके से हो जाए, इसलिए मैंने ये व्लॉग उन लोगों के लिए बनाया है कि जो नागपुर से नहीं है, नागपुर के बाहर से है पर ताजुद्दीन बाबा को बहुत चाहते हैं, उन लोगों के लिए व्लॉग बनाया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यहाँ तक का वीडियो? और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सौरभ भेदी नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मिलते हैं जल्दी अगली ऐसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, साइनिंग ऑफ विद SB।